प्रसार में जुटे हुए हैं। आज भी मालवा निमाड़ में अमित शाह की तमाम सभाएं होने वाली हैं। इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी दौरे यहां पर कर चुके हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में 66 विधानसभा सीटें हैं, जिन्हें फोकस पर रखने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहले ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, यहाँ पर पहुंचे। प्रियंका गांधी की भी पहली सभा अपने इंदौर में इस बार चुनावी समय में देखी, और मध्य प्रदेश के रण में अब अमित शाह हुंकार भरते हुए लगातार चुकी दौरे अलग अलग क्षेत्रों में चलते आ रहे हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र की 66 सीटों पर हर पार्टी अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश करती हुई, तो आज अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी सभी की नजर। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां 33 दिनों में चुनाव आयोग में 700 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने शिकायतें की हैं। बीजेपी ने 33 दिनों में 140 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें दर्ज जो करवाई हैं, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से शिकायतें आना पाया गया है। आयोग के पास 300 से ज्यादा शिकायतें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर 1000 तक की आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ समय बाकी है। चुनाव आयोग में 700 से ज्यादा शिकायतें बीजेपी के बजाय इस बार कांग्रेस ने ज्यादा शिकायतें की हैं। शिकायतें किस बात को लेकर हैं, ये भी आपको बताएं कि आचार संहिता का उल्लंघन जब जब पाया जाता है तो आप चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं, और आधिकारिक तौर पर एक पार्टी होने के नाते आपका ये जिम्मा भी बनता है। हालांकि राजनीतिक दल अक्सर इस प्रकार से दूसरे दल को घेरने की कोशिश भी करते हैं, और इसी प्रकार का मुझे लगता है माहौल इस बार भी। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की तरफ से शिकायतें पहुंची हैं चुनाव आयोग में। 300 शिकायतें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो सकती है, पूरे पूरे आसार इसके, क्योंकि मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन को लेकर यह जानकारी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा जरूर सामने आ सकता है। मैतारी वंदन योजना जैसी कोई घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की है, जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में सिलसिला देख रहे हैं लाडली बहना के जरिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि ये वादा कर चुकी है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को इसका लाभ हम जरूर देंगे, तो हो सकता है कि